हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं इंग्लिश के लिए प्रपोजिशंस। और फ्रेंड देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके पार्ट जो हैं ऑलरेडी मैंने तीन पार्ट जो हैं डाल दिए हैं, ठीक है। पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीनों मैंने पार्ट आपको डाल दिए हैं। ये पार्ट फोर है, तो इसमें हम काफ़ी सारे जो है प्रपोजिशन जो है डेली बेसिस पर करते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको कराया था विद एंड विद इन, ठीक है। तो ये इन और विद इन कराया था, जिसमें इन जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कम्प्लीट होने के टाइम जो है कम्प्लीट होता है तब, और विद इन हम जो यूज़ करते हैं बिफोर जो टाइम जो है कम्प्लीट होने से पहले काम जो है पूरा हो जाए, ठीक है। क्योंकि इन लगाने का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं इतने समय में आ जाऊंगा, ठीक है, ओके। तो वो होता है टाइम कंप्लीट होने के बाद ही आएगा, ठीक है। अगर मैंने बोला आई विल कम इन 7 o'clock, यानी कि मैं 7:30 बजे के बाद ही आऊंगा। अगर मैंने बोला आई विल कम विद इन 7 o'clock, ठीक है, 7 o'clock कहा या 7 hour कहा या 7 कुछ भी कहा या 1 day का, 2 day का, तो मैं उतने दिन में ही आ जाऊंगा, 1 दिन में ही आ जाऊंगा। ओके, इन कहा तो मैं 1 दिन के बाद ही आऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था उस दिन, ठीक है, कल बताया था, सॉरी। अराउंड और थ्रू आउट जो था वो आपको बताया था मैंने, अबाउट में होता है अराउंड, ठीक है, और थ्रू आउट जो होता है स्टार्टिंग कोई चीज़ होती है उससे एंड तक जो है चलता है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी पहले बाय और विद की। तो बाय जो हम लगाते हैं किसी भी पर्सन के लिए, ओके, किसी ऐसी थिंग्स के लिए जो जीवित हो, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लगाते हैं, या फिर हम कहें विथ जो है लगाते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी चीज़ के साथ में कोई चीज़ हो रही है, सॉलिड जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सॉलिड चीज़ों से हम कोई चीज़ से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, तो उससे हम विथ लगाएंगे, ठीक है, ओके। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें हम, द टाइगर वॉज किल्ड बाय अर्जुन। अर्जुन जो है किसको, अर्जुन ने टाइगर को मारा, तो ये कैसे मारा अर्जुन ने, अपने हाथों से मारा, किसी चीज़ से हाथों से मारा होगा, ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं आ रहा, हाथों से उसने वाला अब जैसे ही मारा हो, लेकिन मारा अर्जुन के द्वारा गया, ठीक है, अर्जुन के द्वारा, ठीक। अर्जुन क्या पर्सन है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। द लेटर वॉज रिटन बाय अ पेन, बाय अ पेन, ठीक है, बाय अ पेन यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि पेन जो है कैसा है, कैसा है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पर बाय नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा विथ, ठीक है। तो ये विथ बिल्कुल सही लगेगा। अगर यहाँ पर बोलते जो यहाँ पर पेन की जगह मैं इंक कर देता, ठीक है, इंक कर देता, तो क्या होता, हम इंक करते तो हम इन ही लगाना पड़ता, क्या बोल लगाता है, हम इन लगाते, ठीक है, ओके। ये अगर लिक्विड वो यहाँ पर आ जाता तो लिक्विड के लिए हम इन का यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हमने कल जो है किया था, जो प्रपोजिशन का जो पार्ट थर्ड था वो कम्प्लीट किया था हमने। आगे के पार्ट हम फोर्थ करेंगे, और फोर्थ पार्ट में भी हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो हैं, या फिर कहें काफ़ी सी प्रपोजिशन करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और उनको भी आपको करने होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो यहाँ पर पहला जो हमारे पास प्रपोजिशन है, दो प्रपोजिशन है, तो पहली है बिफोर एंड विथिन, ठीक है। तो ये बिफोर और विथिन जो होती हैं वो हमेशा किस लिए यूज़ की जाती हैं, कोई टाइम होता है, कोई टाइम से पहले कोई हमने काम कर लिया, ठीक है, तो हम उस टाइम जो होगा हम क्या यूज़ करेंगे, इन और विथ इन का, ठीक है। तो इन का हम यूज़ कब करते हैं, या सॉरी इन और विथ इन, तो हम बिफोर का यूज़ हम कब करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे हमने बोला बिफोर, ठीक है, अब कोई चीज़ बिफोर कब आएगी, कोई चीज़ बिफोर तब आएगी जब इसे माने मैंने बोल दिया कोई 5 बजे से पहले मैं ये काम कर लूँगा, 5 बजे से पहले, ठीक है। तो 5 बजे मतलब है ये एक फिक्स्ड हो गया कि भाई 5 बजे जो है वो फिक्स्ड हो गया है, वो 5 बजे से पहले कोई काम कर लेगा, यानी कि ये हम यहाँ पर इसलिए करते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किस लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर हम करते हैं। अब विथ इन क्यों लगाया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि 5 घंटे में मैं ये काम कर लूँगा, यानी कि ये 5 घंटे में करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 घंटे में 5:05 हो जाए, ठीक है, 4:45 भी हो सकते हैं, 4:50 भी हो सकते हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड जो है टाइमिंग नहीं है, क्या है, यहाँ फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, टाइम जो है फिक्स्ड नहीं है, यहाँ पर टाइम क्या है, फिक्स्ड है। अगर टाइम फिक्स्ड हो तो पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा, और टाइम फिक्स नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा, ठीक है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो हमें विद इन लगाना होगा, जब बिफोर लगाएंगे तो हमें पॉइंट ऑफ टाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। यहाँ पर अनसर्टेन टाइम होता है, यहाँ पर सर्टेन टाइम होता है, ओके। ये चीज़ जो है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, वो आप लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे एग्जाम्पल की बात करें तो आप हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एग्जाम्पल में हम बात करें तो लिखा हुआ है प्लीज़ गो देयर बिफोर मंडे, ठीक है, मतलब वहाँ पर आप जाना है, कब से पहले जाना है, ओके, आप कृपया आप वहाँ पर जाइए, आप जहाँ पर जाइए कहीं भी जाइए, लेकिन आपको मंडे से पहले जाना है,
कहाँ से, बिफोर मंडे। ठीक है, आज मान लीजिए संडे है, ठीक है, लेकिन आपको जाना कब है, मंडे को जाना है। कब जाना है, मंडे को जाना है। मंडे क्या है, मंडे इसका फिक्स्ड हो गया है, क्या हो गया, बिफोर मंडे, मंडे से पहले, ठीक है, बिफोर मंडे, मंडे मंडे से पहले जाना है। आज अगर मान लीजिए संडे हो गया है तो मंडे से पहले, यानी कि संडे को ही आपको निकलना पड़ेगा मंडे लगने से पहले। ओके, तो यानी कि आपको मंडे को नहीं जाना, मंडे से पहले जाना है, बिफोर मंडे, ये फिक्स्ड है। ओके, अब यहाँ पर लिखा है फिनिश इट विद इन टू डेज। ओके, अब इसने बोल दिया दो दिन में कोई भी काम है वो आपको कंप्लीट करना है, विद इन टू डेज। ओके, कोई भी काम है वो आपको दो दिन में कंप्लीट करना है, लेकिन आपको पता नहीं ये दो दिन कौन से हैं। ठीक है, कौन से दिन, दो दिन है, आज के वाले दो दिन है, कल से लगाएंगे आप दो दिन, परसों से लगाएंगे दो दिन, आपको नहीं पता, ये अनफिक्स्ड हैं, ये जो है अनसर्टेन नंबर है। ठीक है, टू डेज पता नहीं कौन से दिन है। अगर ये बोल देता आपको कोई काम करना है संडे और मंडे दोनों में, दोनों संडे और मंडे को ये वाला काम पूरा करना है, तो बिफोर संडे और मंडे, ठीक है, बिफोर टू हावर, बिफोर थ्री हावर, ठीक है, ये बोलना था। अगर आपसे बोल दिया बिफोर अ डे, बिफोर टू डे, बिफोर थ्री डे, बिफोर जनवरी, बिफोर फरवरी, बिफोर बिफोर अ ईयर, तो यहाँ पर आप सॉरी बिफोर अ ईयर, यहाँ पर बिफोर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर विद इन अ टू ईयर, ठीक है, तो ये बिफोर यहाँ पर लगेगा ही नहीं। अगर यहाँ पर आपको पीरियड ऑफ टाइम होगा तो यानी ईयर यहाँ पर कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं, डे कर सकते हैं, ठीक है, आप पाँच घंटे आप कर सकते हैं, ठीक है, पाँच बजे अगर आप यहाँ पर आता है कोई भी चीज़, पाँच बजे आते, पाँच बजे का मतलब है पहले, पाँच बजे मतलब उस टाइम बता दी उसने फिक्स, ठीक है, पाँच घंटे मतलब हो सकता है अभी से पाँच घंटे, कभी कब से पाँच घंटे नहीं पता, कब से पाँच घंटे होने वाले हैं वो नहीं पता। ऐसे मान लीजिए उसने वो, ऐसे मान लीजिए मेरी जो शिफ्ट स्टार्ट होती है वो 10 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, ओके, और अभी वो बोल रहा है मुझसे कि वो आपको पाँच घंटे में वो काम पूरा करना होगा, और अभी बज रहे 8, ठीक है, ओके, तो क्या मैं 8 बजे से 5 घंटे, नहीं, मेरे 10 बजे से शिफ्ट स्टार्ट होगी, तो 10 बजे के बाद मैं 5 घंटे तक जो है काम करूँगा, यानी कि सर्टेन टाइम नहीं, सर्टेन टाइम के लिए हम लगाते हैं विद इन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर रूल था वो मैंने बताया, और आई थिंक समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो थम्स अप का बटन दबाइए और आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अगला जो हमारा जो है हमारी प्रपोजिशंस हैं वो हैं हमारी बिसाइड और बिसाइड्स। ठीक है, दोनों एक जैसी लगती हैं और ये दोनों का काम जो है बहुत ही मतलब सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है और एग्ज़ाम में काफ़ी कंफ्यूज करती है, और काफ़ी कंफ्यूज, अभी हम जो है इस कंफ्यूजन को वन बाय वन जो है एक डायग्राम से भी समझेंगे, और इससे एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, एक तो होता है पास में एडिशनली, एक होता है पास में या बगल में, एक होता है एडिशनली, एक होता है बगल में। ठीक है, ऐसे मैंने बोला राम के बगल में श्याम है, ठीक है, श्याम बैठा है, राम जो है श्याम के बगल में चेयर लेके बैठा है, ठीक है, मैंने बोल दिया। अब राम जो है खड़ा हुआ है, ठीक है, फ़ोटो खिंचवा रहा है, अब राम इस प्रकार खड़ा था, इस प्रकार खड़ा है, ठीक है, इस प्रकार ऐसे प्रकार मतलब ऐसे करके रिपीट कर खड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन श्याम क्या है, श्याम को भी फ़ोटो खिंचवाना है, तो श्याम ने क्या करा, इसकी पीठ से ऐसे करके इसको खड़ा हो गए, यानी कि ये कैसे खड़े हैं, ये सपोर्ट में खड़े हैं, दोनों कैसे खड़े हैं, सपोर्ट में खड़े हैं, तो सपोर्ट में मतलब कि आपको बिसाइड्स लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, बिसाइड्स। साइड का मतलब होता है साइड बाई साइड, और बिसाइड का मतलब होता है एडिशनली, वो यहाँ पर आपको साथ में एडिशनल है, यानी कि वो आपसे जुड़ा हुआ है, या किसी से जुड़ा हुआ है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी से चिपका हुआ का मतलब ये नहीं कि वो आपसे बिल्कुल टिका हुआ है, टिकना मतलब ऐसे मान लीजिए अगर मैं बोल दूँ ये कोई आपके पास ये वॉल है, इस वॉल पे आपने लैडर रखी है, ठीक है, इस वॉल पे आपने लैडर रखी है, तो लैडर रखी है तो ये चिपकाई है, चिपकाई नहीं है आपने, इसके साथ एडिशनल रखी है, तो ये इसका भी बताऊँगा कि ये एक्चुअल में इस पर क्या लगाते हैं, इसमें बिसाइड और दो बिसाइड से नहीं लगता, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम एडिशनल कहेंगे, इसे मान लीजिए मैंने कहा ओके मेरे को क्या कहला, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो बाज़ार से मुझे क्या लानी है भाई, मुझे 5 किलो शक्कर लानी है, क्या लेनी है, मुझे 5 किलो शुगर लेके आनी है, ठीक है। अब मेरे घर वालों ने फ़ोन करके कहा अरे भाई शक्कर तो तुम्हें लानी लानी है, 5 किलो आपको तेल भी लेके आना है, ठीक है, क्या लेना है, ऑयल भी लेके आना है, तो भाई 5 किलो मुझे शक्कर लानी थी लेकिन एडिशनली मुझे तेल भी लाना पड़ रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, बिसाइड से लगाऊंगा एडिशनली के लिए। ओके,
समझ गए, साथ साथ का मतलब है, जैसे मान लिया अब बिसाइड का मतलब क्या है, जैसे कि मुझे आलू लाने हैं, ठीक है, तो मुझे आलू लाने हैं, मुझे पता है आलू के साथ साथ मुझे प्याज भी लानी है, ठीक है, आलू प्याज के साथ साथ मुझे क्या क्या लानी, आलू प्याज के साथ मुझे कुछ सब्ज़ी और भी जो है उसे बनाने के लिए नहीं, टमाटर भी लाने, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मुझे पता थी, तो ये बगल बगल में पास पास में, मतलब मुझे पता था तब ये आपको वहाँ पर थी, ठीक है, यानी कि बगल बगल में थी। एडिशनल का मतलब अगर मुझे घर वालों ने कह दिया किसके साथ, आलू के साथ, मैं फ़ोन लगा कर कह दिया कि एडिशनल एक मटर भी ले आना, क्या लाना, मटर भी ले आना, तो ये एडिशनल हो गया। तो एडिशनल में क्या लगाएंगे, बिसाइड्स हम लगाएंगे, ठीक है, समझ गए, सिंपल है। चलिए अब आगे इसको समझते हैं, इसमें एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल समझ लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए, कम एंड सिट बिसाइड मी, कोई आपसे कह रहा है कि आओ और आप मेरे पास बैठ जाओ, ठीक है, तो बैठेगा, अब मान लीजिए उसके पास एक चेयर है, ठीक है, क्या है, एक चेयर है, ठीक है, आप किस पे बैठोगे, चेयर पे बैठोगे, किस पे बैठोगे, चेयर पे बैठोगे, ठीक है, आप चेयर पे बैठ रहे हो, ठीक है, और आपकी चेयर के पास में उसकी चेयर रखी हुई है, ठीक है, तो वो आपके पास में बैठ रहा है, बगल में बैठ रहा है, तो ये जो है बिसाइड यहाँ पर हम यूज़ करें, क्या यूज़ करेंगे, बिसाइड, ठीक है, वो आपके बगल में बैठ रहा है, आपसे टिककर या आपसे एडिशनली नहीं है। अब आपसे अगला जो पॉइंट है हमारे पास, अगला जो एग्जांपल है वो है बिसाइड्स रीटा, ओके, रीटा जो है, बिसाइड्स रीटा, रिया कर लीजिएगा, रिया वॉज ऑल्सो इन द मीटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है जो रिया थी, उस रिया तो मीटिंग में थी ही थी, ठीक है, थी, और उसके साथ जो थी वो वहाँ पर, सॉरी, रीटा तो रीटा जो थी वहाँ पर, रीटा जो थी, ये रीटा जो है वो वहाँ पर थी, कहाँ पर, मीटिंग में थी, लेकिन उसके साथ रिया भी थी, रिया भी उसके साथ मीटिंग में थी, साथ मतलब उसके एडिशनली थी, मतलब उसके यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक साउंड कर रहा है यहाँ पर, रीटा के साथ साथ रिया, ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के एडिशनल हैं, ठीक है, कैसे, एक एडिशनल यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये रिया के एडिशनल क्या आ गया, रीटा आ गया, ओके, यहाँ पर एक बंदा होता तो भी चलता, ओके। तो अब एक चीज़ और क्वेश्चन आता हमारे दिमाग में, एक नोट पॉइंट आएगा, इसे मैंने बोला आपसे, इसे मैंने बोला ये लेटर है, मैंने, सॉरी, मैंने बॉल बोला, ठीक है, इसे मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, बॉल है, बॉल के इसके अगेंस्ट मैंने बोला ये लैडर है, ठीक है, लैडर लगी हुई है, ये पूरी इतनी बड़ी बॉल है, और बॉल के यहाँ पर ये जो है ये आपका रूफ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यहाँ तक जाना है, बिल्कुल कॉर्नर तक जाना है, ठीक है, तो अब कॉर्नर तक जाना है, लेकिन आपने क्या लैडर लगा दी है, क्या लगा दी, लैडर, तो आप कैसे इसमें प्रोपोजिशन लगाओगे कि लैडर जो है उसमें कैसे, मैंने बोला आई पुट द लैडर, इसके पास आ गया डेड डेस्क, द बॉल, यहाँ पर क्या लगेगा, बिसाइड लगेगा, साइड बिसाइड से लगेगा या और कुछ लगेगा, ओके, चलिए कमेंट करिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, आपको समझाने वाला हूँ मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अगेंस्ट, ठीक है, क्या लगाएंगे, अगेंस्ट, अगेंस्ट यहाँ पर लगेगा, यानी कि आई पुट दिस लैडर अगेंस्ट द बॉल, क्या लगेगा, अगेंस्ट द बॉल, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए, ओके, ये पूरा जो इतने जो हमने अभी समझा उसको मैं एक बहुत इनोवेटिव वे में समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बोला मेरा घर ये रहा, ठीक है, ओके, ये मेरा घर मान लीजिए, या फिर ये मान लीजिए राम का घर मान लीजिए, ये राम का घर है, ठीक है, ओके, राम के घर के पास में क्या है, ये राम का घर है, राम के घर के पास में श्याम का घर है, किसका घर है, ये श्याम का घर है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। श्याम के थोड़े से दूर चल के एक गैलरी है, और गैलरी छोड़ने के बाद में यहाँ पर इसके पास यहाँ पर मोहन का घर है, ठीक है, मान लीजिए मोहन का घर है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ये, समझ लीजिएगा, आपका ये जो है बिसाइड, बिसाइड्स और अगेंस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपने बोला राम, राम्स हाउस, ठीक है, राम्स हाउस, फिर उसका तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर, किसके पास में है, कि बगल में है, पास में, क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे राम, ठीक है, राम, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाय, ठीक है, क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ऑलवेज बाय, जब स्पेस ना हो, ठीक है, जब स्पेस नहीं है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पेस नहीं है, राम और श्याम का घर कैसे है, बिल्कुल पास पास में, कैसे है, पास पास में, साइड बाई साइड नहीं है, लेकिन बिल्कुल पास पास में है, ठीक है, तो बस जब स्पेस ना हो, जब स्पेस नहीं होता है, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, बाय का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करेंगे, बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके, और जब स्पेस होता है, जब स्पेस होगा यहाँ पर, इसके श्याम और राम के हाउस के बीच में गैलरी छुटी हुई है, गली है, तो उसके बीच में हम क्या लगाएंगे, उसके बीच में हम लगाएंगे बिसाइड्स, ठीक है, क्या लगाएंगे, बिसाइड्स,
ठीक है, क्या लगाएं, बिसाइड। ओके, अब यहां पर मैंने इसे बोल दिया इस वॉल, इस जहां पर जो इस प्रकार यहां पर एक लैडर लगी हुई है, यहां पर एक लैडर लगी हुई है और लैडर जो है क्या है, ये लैडर जो है सपोर्ट में इससे लगी हुई है, ठीक है, और अब मुझे इसकी रूफ पे जाना है। ओके, किसकी, मोहन की। तो इसमें हम कह रहे हैं ये सहारे से लगी है, देखिए ये क्या है, इसके सहारे, बॉल के सहारे लगी हुई है, क्या लगी, लैडर लगी हुई है। तो ये किस में अगेंस्ट में आएगी, किस में आएगी, अगेंस्ट में आएगी, ठीक है। तो कैसे आएगी, अगेंस्ट द बॉल, लैडर पुट इन द अगेंस्ट, अगेंस्ट द बॉल। तो यहाँ पर अगेंस्ट आएगा, यहाँ पर बिसाइड आएगा, यहाँ पर बाय आएगा। बाय कब आएगा, जब स्पेस ना हो दो चीज़ों के बीच में, स्पेस हो तो बिसाइड आएगा, और यहाँ पर लैडर जो है लगी हुई, ऐसे कुछ भी लगा हो इसके सहारे, तो यहाँ पर अगेंस्ट आएगा। अब बिसाइड जो है हमेशा कैसे आता है, बिसाइड जो है दो ऐसे बगल वाली जो वाली जो चीज़ें हों वो जो सपेट सपोर्ट में ना हो, अगर ये सपोर्ट में होती, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में होती, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ पर जो है ये सपोर्ट में, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, सपोर्ट में नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये मान लीजिए इस प्रकार की रूप बनी हुई है, अगर ये सपोर्ट में होता घर, ऐसे मान लीजिए श्याम घर राम के घर के सपोर्ट में होता, सपोर्ट में होता तो सपोर्ट में मतलब बिल्कुल उससे चिपक जाता है, अगर मान लीजिए राम का घर गिरता तो श्याम घर भी गिर जाता, तो यहाँ पर हम बाय नहीं लगाते, ठीक है, क्या फिर हम बाय यहाँ पर लगाते नहीं, ठीक है। अगर सपोर्ट में नहीं है वो बिल्कुल अपने ऊपर जो है, ऐसे मान लीजिए मैं बैठ रहा हूँ ये, ठीक है, और आप अपनी चेयर बैठ रहे इस प्रकार, यानी कि आप दोनों की चेयर कैसी हैं, अलग अलग है, तो आप बैठे अपनी चेयर पर, मैं बैठा अपनी चेयर पर, तो आपकी चेयर, मेरी चेयर टूट गई, ठीक है, और आपकी नहीं टूटेगी, क्योंकि आप अपनी सारे की चेयर से बैठे हुए। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर बाय लगाना है, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट में हम नहीं हैं, ठीक है, ओके, लेकिन लगेगा बिसाइड बेसिस, क्योंकि ये दोनों एक क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब एक दूसरे के पास पर अगल बगल बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर लगेगा हमारा बिसाइड, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई, कहाँ बिसाइड लगेगा, कहाँ बिसाइड्स लगेगा, ठीक है, कहाँ बाय लगेगा, ठीक है, अगेंस्ट लगेगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये चीज़ मैंने बता दी आपको, कहाँ बाय लगेगा, ठीक है, जब स्पेस ना हो तो बाय लगेगा, जब स्पेस हो तो बिसाइड लगेगा, जब कोई जो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो स्पेस जो सॉरी सहारे में है किसी के तो अगेंस्ट लगेगा, क्या लगेगा, अगेंस्ट लगेगा, ठीक है। तो अगला जो प्रपोजिशन है वो है इन, ऑन और टू, ठीक है, इन ऑन और टू, बहुत सिंपल है। इन हमेशा यूज़ होता है इनसाइड, कोई भी चीज़ इनसाइड में हो, ठीक है, ऑन यूज़ होता है कोई भी चीज़ हमारे हमारे किसी बॉर्डर के बॉर्डर पर हो, यानी कि बिल्कुल ही नज़दीक जो बाउंड्री के नज़दीकों से हम वहाँ पर जो है ऑन लगाते हैं, और टू हम लगाते हैं आउटसाइड, ठीक है, कब लगाते हैं, आउटसाइड द कोई बाउंड्री हो, ठीक है, बाउंड्री के आउटसाइड कोई चीज़ हो, ठीक है। जिस प्रकार अब आप देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ये एग्जाम्पल है, हिमाचल प्रदेश इज़ इन नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी नॉर्थ ऑफ इंडिया की इंडिया में जो है अंदर, हिमाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ऑफ इंडिया में, यानी कि इंडिया के अंदर ही है, कहाँ, इंडिया के अंदर ही इनसाइड है, ठीक है। इसका द हिमालय इज़ ऑन द फ्रंटियर, यानी कि उसके बिल्कुल पास में, हिमालय जो है, जैसे हिमालय जो है कहाँ पर है, बिल्कुल हमारे जो है बॉर्डर बॉर्डर पर लगती हैं सारी चीज़ें, तो नॉर्थ ऑफ इंडिया यानी कि बिल्कुल बॉर्डर पे होना, ठीक है। तो ऑन कब लगेगा, जब कोई चीज़ फ्रंटियर पे हो या बिल्कुल जो है बिल्कुल बॉर्डर के आसपास हो, ठीक है। अब हम तिब्बत इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, इज़ टू नॉर्थ ऑफ द इंडिया, टू कब लगाया, ये आउटसाइड है, क्या लगाया, आउटसाइड लगाया, तो नॉर्थ ऑफ इंडिया के बिल्कुल यहाँ पर क्या है, बॉर्डर पर, यानी कि नॉर्थ ऑफ इंडिया क्या है, यहाँ पर बॉर्डर पर, ये तिब्बत है, यहाँ पर तिब्बत ऊपर होता है, ठीक है, नेपाल की बात है। ओके, तो तिब्बत यहाँ पर क्या है, ये इंडिया से बाहर है, आउटसाइड है, तब हम यहाँ पर ये टू का यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल ये था, ठीक है। आगे हम जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन में क्वेश्चंस में आपको ये सॉल्यूशन करने हैं। सॉल्यूशन में आपको ये बताना है, क्या बताना है इनमें, आपको ये बताना है कि इसमें गलत क्या है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, सेकेंड है ही ऑर्डर्ड फॉर अ प्लेट ऑफ राइस, फिर है इंडियन आर्मी इज कॉम्बेटिंग विथ चाइना, फिर है चौथा सी रिजेंबल विथ हर सिस्टर, रिजेंबल का मतलब होता है वह उसकी सिस्टर के जैसे जो है बिहेव करती है, ठीक है। राहुल साइंड ऑन द पेपर, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत क्या है, आंसर दीजिएगा, कौन सी यहाँ पर क्या क्या गलत है। ओके, चलिए आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए जल्दी से, जल्दी से आंसर दीजिएगा और कमेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये ऑन जो है वो गलत है, ठीक है,
ओके, और हमने ये नीचे जो है फोर लगाया वो गलत है। ओके, यहाँ पर हमने कॉम्बैटिंग के साथ विथ लगाया वो गलत है, और रिजेंबल विथ हर यहाँ पर ये गलत है, और ऑन द पेपर गलत है। ठीक है, ये सब क्या गलत हैं। ओके, क्यों गलत हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में हमसे यही पूछा जाता है। ओके, और ये हमें फाइंड आउट करना होता है एरर में, तो ये आपको बताना है कि क्यों गलत है। ओके, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारे पास एम्फेसिस है, ऑर्डर्ड है, कॉम्बेटिंग है, रिजेंबल है और साइन है, ये एज अ मेन वर्ब यहाँ पर काम कर रहे हैं, और मेन वर्ब के साथ में आपको प्रपोजिशंस नहीं लगानी है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इसको, इस सेंटेंस को, जैसे कि मैंने बोला ही ऑर्डर्ड फॉर अ प्लेट ऑफ राइस, ठीक है, उसने एक प्लेट जो है राइस जो ऑर्डर किए हैं, तो अब आपको यहाँ पर जो फॉर है ये गलत हो गया, लेकिन अब इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट कैसे हो जाएगा। तो फ्रेंड हम इसमें ऐसा क्या करने हैं कि जो आपको ये जो एरर है वो एरर फाइंडिंग तो हमें मिल ही गया, लेकिन ऐसा हम क्या करें, ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अभी क्या एरर है हमारे पास, अब हमें एरर हटाना है। ठीक है, अब आपसे बोल दिया कि भाई इसमें एरर है, फॉर जो है यहाँ पर एरर है। ओके, अब इस जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको पता है ये मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़र है ऑर्डर, ठीक है, हमें पता है मेन वर्ब के साथ में फॉर नहीं आता, प्रपोजिशन नहीं आती, लेकिन हमें अब करना क्या है कि हमें ये जो है करेक्शन करना है। ठीक है, तो एम्फेसाइज हो गया, ऑर्डर हो गया, कॉम्बेटिंग हो गया, रिजेंबल हो गया, साइन हो गया, ये सारे के सारे जो हैं सेंटेंस में जो हैं एज अ मेन वर्ब जो हैं लगी हुई हैं। ठीक है, इसलिए हम इसमें प्रपोजिशन जो है नहीं लगा सकते। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो है सेंटेंस सही हो जाए, तो अब करना क्या होगा, मेन वर्ब को एज अ नाउन जो है आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब को आपको नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और नाउन में कन्वर्ट हम कैसे कर पाएंगे, हम नाउन में कैसे इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, हम नाउन में ऐसे कन्वर्ट कर पाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मेन वर्ब को चेंज कर रहे हो नाउन में, तो आपको नाउन से पहले, किससे, नाउन से पहले आपको आर्टिकल लगाना होगा, ए या एन आपको लगाना होगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, ए और एन हमें लगाना होगा। ठीक है, अब हमें पता पड़ गया सेंटेंस में हमारे पास नाउन आ गया, लेकिन भाई मेन वर्ब तो फिर चले गई, फिर मेन वर्ब भी ज़रूरी है हमारे पास। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें मेन वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेन वर्ब आपको एडिशनली लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, आपको मेन वर्ब जो होगी एडिशनली लगानी पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो मेन वर्ब आपको एडिशनली लगानी पड़ेगी, तो हम जो हमारा जो वर्ड था, हमारा सेंटेंस था, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है ही ऑर्डर फॉर अ प्लेट ऑफ राइस। ठीक है, तो हम इसे बना सकते हैं ही, ठीक है, ही, तो उसने बोला कि भाई ये जो है उसने मतलब उसने ऑर्डर दिया है, किस चीज़ के लिए ऑर्डर दिया है, एक प्लेट के, प्लेट का, एक प्लेट राइस का ऑर्डर दिया है। ही गिव, गिव, गिव कर सकते हैं हम यहाँ पर, गिव, गिव, उसके बाद हमें क्या लगानी है, ये होगी हमारी मेन वर्ब। ठीक है, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, हम हमें आर्टिकल लगाना है, अन ऑर्डर्ड, 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 ठीक है, हमें हमें आर्टिकल लग गया हमारे पास। ओके, उसके बाद जैसा भी सेंटेंस है, ठीक है, फॉर अ प्लेट, ठीक है, प्लेट ऑफ राइस, ठीक है, तो जैसा भी हमारा सेंटेंस था उसके बाद, ऑर्डर्ड के बाद, देखिए ये हो गया हमारी यहाँ पर हो गई मेन वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी आर्टिकल हो गई, ठीक है, आर्टिकल हो गई, ये हमारी हो गई अब नाउन हो गई, हमने नाउन में कन्वर्ट कर दिया, और ये सेंटेंस बिल्कुल वैसे के वैसा जैसा था। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, प्रपोजिशन हमने फॉर लगाया है, ये अगर लगाकर ही रखना है तभी हम ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ये आर्टिकल हटा दिया तो भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने आपने ये सोचा कि भाई आर्टिकल, आपने आर्टिकल जो है अगर इसको सही करना है तो हम आर्टिकल ना लगाएं, फॉर अगर प्रपोजिशन को रखना है आर्टिकल नहीं लगाते तो ये सेंटेंस फिर भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस में अगर आप नाउन को कन्वर्ट, जो मेन वर्ब को कन्वर्ट कर रहे हैं नाउन में, तो यहाँ पर आर्टिकल लगेगा और फॉर तो वैसे ही आएगा और मेन वर्ब आपको एडिशनली लगानी पड़ेगी। ठीक है, ओके, तो इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, आपको मेन वर्ब आएगी,
फिर आपको आर्टिकल करना है, फिर आपको जो आपने मेन वर्ब को नाउन में वर्क करा था उसको रखना है, फिर आपको प्रपोजिशन वहीं पर रखनी, इस प्रकार से वहाँ पर थी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ वर्ड दिखाने वाला हूँ जो कि आपके प्रपोजिशन में हैं और इसमें इनके साथ में जो है प्रपोजिशन नहीं आती इन मेन वर्ब के साथ में, और इनको जो है कन्वर्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट करने में पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको मेन वर्ब वहाँ पर देखनी होगी, मेन वर्ब लगानी होगी, मेन वर्ब के बाद आर्टिकल लगाना होगा, आर्टिकल के बाद में जो आपने नाउन कन्वर्ट किया है, सॉरी मेन वर्ब कन्वर्ट किया नाउन में, वहाँ पर आपको रखना होगा उसका, आपका आर्टिकल यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस, एम्फेसिस, एम्फेसाइज, इन्वेस्टिगेट, कंपेराइज, ठीक है, कॉम्बैट, अ कंपनी, अ कंपनी का मतलब होता है, अ कंपनी मतलब मिला, यहाँ पर आप कर सकते हैं जैसे साथ देना, साझा करना, साथ देना, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, ऑर्डर पिक करना, बोर्ड यानी बोर्ड मतलब आप फ्लाइट बोर्ड करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से एंटर करना, ठीक है, ओबे करना, ओबे मतलब आज्ञा मानना, ठीक है, असिस्ट करना, रजिस्ट करना, डिस्कस करना, डायरेक्ट करना, इन्वेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो इन्वेड का मतलब होता है वो होता है आक्रमण करना, क्या आक्रमण करना, ज्वाइन करना, कंट्रोल साइन प्रवर्ट करना, तो ये प्रवर्ट का मतलब होता है पहले होना, किसी चीज़ का प्री वेड होना, किसी चीज़ का पहले हो जाना, ठीक है, वायलेंट मतलब उस जो वायलेंटली कोई काम होना, ठीक है, रेडिकुल मतलब हंसी मजाक, ठीक है, ओके, या रिजेंबल मतलब होता है किसी के समान जो है काम करना, ठीक है, ओके, डिस्क्राइब करना, डिमांड करना, प्रिजेड, ठीक है, प्रिजेड मतलब किसी चीज़ का पहले हो जाना, ठीक है, क्या होना, पहले हो जाना, ठीक है, ओके, इसके बाद यहाँ पर आ गया, ये हमारे पास है कंसीडर, ठीक है, ओके, एफोर्ड कर लेना, रीच, अटैक्ट, ओके, अफेक्ट, डिस्पाइट, ठीक है, क्या आ गया इसका, डिस्पाइट हमारे पास आ गया है, ठीक है, ओके, डिस्पाइट हो गया, उसका बेनिफिट हो गया, टेल हो गया, इंश्योर हो गया, और एंच्यू का मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, सक्सेस, लव, हेट, टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट मंथ, टुमेरो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो ये कैसी हैं ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन, यहाँ पर जो अगर आप मेन वर्ब के यूज़ में ये यूज़ हो रही है तो यहाँ पर आपको क्या नहीं लगानी, आपको प्रपोजिशन नहीं लगानी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब के में फॉर्म में अगर ये यूज़ हो रही है तो डायरेक्टली अगर यूज़ हो रही है तो यहाँ पर आपको ये यू है ऑन द नहीं लगेगा, यहाँ पर फॉर नहीं लगेगा, ठीक है, ओके, और यहाँ पर जो है आप वित्त नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर भी वित्त नहीं लगेगा, यहाँ पर ऑन नहीं लगेगा, तो आपको याद रखनी है ये चीज़ें, ठीक है, ओके, कैसे यूज़ हो रहा है वो मैंने बता दिया आपको। तो फ्रेंड आज की वीडियो आप कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए वीडियो को, वीडियो शेयर नहीं करी शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।